देखिए वैसे आज पहली बार मंत्री बनने के बाद लौटे हैं, भजन बलि का दर्शन किया है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। अब कैबिनेट बनती है, किस तरह की प्राथमिकताएं रहने वाली है, क्या उम्मीदें थी? देखो जिस तरह से जयसिंहपुरा बालाजी ने, अनुत्य बालाजी ने जिस तरह से कृपा की, लोगों की सबकी मंशा थी कि 10 साल से जो हमारा बेटा हमारा भाई हमारे बीच में रह के हमारे सेवा करने का पूरा प्रयास कर रहा है, फिर भी राजस्थान में पिछले 5 वर्ष से सरकार नहीं होने की वजह से कई लोग दुखी थे, कई लोगों के काम रुके हुए थे। और एक तरह से जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएँ जो गरीबों के लिए चालू करी थी वो प्रॉपर नीचे तक नहीं डिलीवर नहीं हो रही थी, नहीं पहुँच पा रही थी। सबको विश्वास था कि वापस हमारे भाई को विधानसभा में भेजें, इन्होंने मेरे को भेजा, बालाजी की कृपा हुई, विधानसभा में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने मेरे को मौका दिया, उनके साथ काम करने का मौका दिया। अब मैं बालाजी महाराज के यहाँ खड़ा होकर मैं यहाँ की मालपुरा और विजयसिंहपुरा की पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब लोगों के लिए सबसे पहले किसान के खेत में पानी आए, पीने का पानी आए, और हमारी जो ये रोड है जिसके रोजाना आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इसको किस तरह से 4 लेन करें। और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो छोटे छोटे कामों के लिए पटवारी से लेके ग्राम सेवक से लेके कृषि प्रयोगशाला से लेके लोगों के प्रॉपर जो देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजना बनाई वो नीचे तक किस तरह से गरीब कल्याण के लिए जाए, किस तरह से उनका बेनिफिट मिले, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा गरीब आदमी किस तरह से जो सब कुछ हो तो ये भी उनको प्रॉपर डिलीवरी नहीं होने की वजह से वो दुखी है, वो किस तरह सुखी रहे, हमारा देश विकसित कैसे बने, 2047 में विश्व में नंबर 1 कैसे बने, यही हमारी प्राथमिकता है मोदी जी का आत्मा। एक आपने शपथ ली थी कि मैं शाफा नहीं बांधूंगा, आज भी वही नजारा है, तो कैबिनेट मंत्री बन गए, किस तरह की शपथ बाकी रही? सबसे बड़ी जो शपथ है कि हमारे सारे बांधों में, चाहे किरावल सागर हो, चाहे चांदसेन हो, चाहे टोडी सागर हो, लामारी सिंह हो, चाहे हमारे लावा के बांधों में पानी भरना हो, चाहे छापरवाड़ा हो, मासी हो, हर बांध के अंदर जो पार्वती कालीसिंह चंबल और बनास का में पानी आके डले, सारे बांधों में पानी रहे, हमारा किसान अगर समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। हमारे रीढ़ की हड्डी कृषि है, कृषि को क्षेत्र को मजबूत करना, किसानों को मजबूत करना ही मेरी प्राथमिकता है, और ये हम करके रहेंगे। और बहुत जल्दी हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी इसके ऊपर काम करना चालू कर दिए, जो पिछले 5 साल से राजस्थान सरकार उसके ऊपर कुंडली मार के बैठी हुई थी, योजना आने वाले महीने 2 महीने में आपके सामने मूर्त रूप ले लेगी और काम चालू हो जाएगा। तो कब बांधेंगे? बस काम चालू होते तुरंत साफा साफा बांधना है, सब कुछ बांधना है।